Hi, Auntie. Oh, Taimur. What a pleasant surprise. आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ आ How जाओ. are So good to you? see you. So good to see you too. सुल्ताना भी आई है? नहीं, वो नहीं आई. क्या मैं नहीं आ सकता आपसे मिलने? थैंक बिल्कुल आ सकते हो, बैठो. यू. सो व्हाट कैन आई गेट यू? चाय पियोगे, कॉफी पियोगे? ओ नहीं, कुछ भी नहीं. थैंक यू. असल में मुझे आपसे जरा काम है. मुझसे काम इतने है? आई नीड योर हेल्प. माय प्लेजर. मैं कुछ भी कर सकूं तुम्हारी मदद करने के लिए? आपके पास आधा घंटा होगा? राइट नाउ? यस. लंच ब्रेक है. आई थिंक आई कैन स्पेयर हाफ एन आवर. आप मेरे साथ जरा चलें. कहाँ? आप चलें तो रास्ते में आपको सब कुछ बता दूंगा. ओके. या पंद्रह दिन? फूफो, आप इतने ज्यादा दिन रुकेंगी वहां पर? बच्चे, ये तो मैं अंदाजन कह रही हूँ. मुझे लगता है कि शायद ज्यादा देर हो जाए. अभी 2 दिन में आरिफ भाई डिस्चार्ज होंगे ना अस्पताल से. पर से उन्होंने बेटी की शादी आगे कर दी थी, वो भी है. उसके बाद हबीबा की तबीयत में से ही सब कुछ मैं यहाँ संभाल रही हूँ खुद. वो आपको पता ना, मुझे आपके बगैर रहने की आदत नहीं है. ये क्या कहा तुमने? क्यों, अब इतनी प्यारी बीवी है तुम्हारे साथ, उसके साथ रहने की आदत डालो? मजाक उड़ा रही हैं आप मेरा. वो एक बात तो बताएं, आपके दिल में अभी तक सोनिया के लिए खफकी है ना? ये कैसी अजीब बात की तुमने? मैं सोनिया से क्यों खफाऊंगी? क्योंकि पप्पू, मैंने महसूस किया था कि पिछले दिनों सोनिया आपसे कुछ ज्यादा तल्ख हो गई थी. बच्चों को भी आने से मना कर दिया था, और आप पहले जाती हैं तो 2 दिन बाद वापस आ जाती हैं. लेकिन इस दफा आप अपना प्लान आगे से आगे बढ़ाती जा रही हैं, तो मैं और क्या समझूं? बताए ना, ऐसा है ना? ठीक कह रहा हूँ ना मैं? क्यों अपने जहन में ऐसी गलत फहमियां पाल रहे हो तुम? इसका मतलब तुम फूफो को कभी पहचाने नहीं. मैं सोनिया से कैसे खफा हो सकती हूँ? मेरे बच्चे की मांग है, खुशी है. और पहले मैं कम दिन के लिए इसलिए आती थी क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र होती थी. अब मुझे पता है कि सोनिया तुम्हारा ख्याल रख रही होगी, हैं? ठीक है पप्पू, मैं आपको 2 हफ्ते बाद खुद लेने आ जाऊंगा अगर आप ना आए तो. अच्छा ठीक है, आ जाना और सोनिया को भी साथ ले आना. पप्पू, मैं फिर आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफिज़. नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा. 2-4 घरों में और भी कहना है कुरान खाने का. और आंटी, मतलब आपकी मदर इन लॉ कैसे हैं? ठीक भी हैं और नहीं भी. इस बात का क्या मतलब कि वो ठीक है भी और नहीं? जवान बेटी बेवा हो जाए तो उनका क्या हाल हो सकता है? घर में कुरान खानी इसीलिए रखवा रहे हैं कि दिल को सुकून मिल जाए. पहले तो आरफा खाला काफी सारी लड़कियों को भेज देती थी कुरान खाने के लिए, उनकी शागिर्द है ना. तो क्या जुगनू फिर यहाँ रहेगी? मेरा मतलब ये है कि जाहिर है, और कहाँ जाएगी? शादी को अरसा ही कितना हुआ था, बच्चे भी नहीं है उसके, तो अपनी अम्मी के साथ ही रहेगी वो. तुम उसकी ताजियत को नहीं आई? नहीं, वो आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होता ये सब. अचानक किसी की डेथ हो जाना और फिर क्या कहना है, कांट डू इट. समझ सकती हूँ. वो कैसी है अब? कैसी होगी वो? बिल्कुल बुझ से गई है. पहले जैसी जुगनू रही नहीं है जो इतना खिलखिलाकर हंसती थी.
तुम्हारी हूं ना कुरान खानी में, खुद देख लेना उसको। तुम आओगी ना? कोशिश करूंगी। कोशिश नहीं करनी, आना है वो भी जरूर। हमारे छोटे छोटे महलों की यही तो बातें हैं कि एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ खड़े रहते हैं, छोटे मोटे कोई भी मौके हाथ से जाने नहीं देते। जी अच्छा, मैं चलती हूँ। ठीक है, हाफिज। मैंने तुझे मना किया था ना कि जब तक मैं तुझे ना बुलाऊं तब तक ना आना। क्या हो गया यार जुगनू? दोस्त हूं तुम्हारी, कल रात तुमने बगैर कुछ कहे फोन बंद कर दिया और फिर दोबारा फोन भी नहीं उठाया मेरा। पूछने तो आना ही था ना मुझे। क्यों कर रही थी फोन, बताओ जल्दी। यार वो राबिया की हरकत का बताया तो था, क्या करना है उसका? सोच लिया मैंने उसका इलाज, अभी तो जो है रात में कॉल करूंगी तुझे। अगर अम्मी अब भाभी ने देख लिया ना तो खामखा मसला होगा। तुझे आ ठीक है, मैं भी अब तुम्हारा फोन नहीं उठाऊंगी, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम करती हो मेरे साथ। करती रहना अब मुझे फोन। जी पागल। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? यहां से फौरन जाओ। सरप्राइज। क्या हाल बेटे? हम आने से पहले बताया नहीं आपने। बेटे आपसे मिलने के लिए आने के लिए मुझे इतला देने की जरूरत है? एक्चुअली मुझे आना भी नहीं था, तैमूर वांटेड टू कम एंड आई सेड चलो मैं ले जाती हूँ तुम्हें। अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए। चुप क्यों हो? अब कहो ना जो कहना था तुमने सोनिया से, वो भी मेरे साथ आके। आंटी आपके बगैर तो नहीं आ सकता था ना, अगर मैं अकेला आता तो ये तो मुझे जूते मार के निकाल देती घर से। नो दैट कैन बी ट्रू, इतनी इल मैनर्ड नहीं है मेरी बेटी, एज अ लाइ। आप क्या जाने आंटी कि आपकी बेटी कैसी है मेरे मामले में। कहो क्या कहना था? मुझे सॉरी कहना था सोनिया। आई रियली एम, मेरी वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हुई है और परेशानियां बढ़ती चली गई, आइंदा नहीं होगा, आई प्रॉमिस। Please forgive me. बेटे, इस apologizing, दिल से माफी मांग रहा है, अब खत्म कर दो ना इस misunderstanding को। मामा, there was no misunderstanding. आप प्लीज से कह दें कि मेरा रास्ता ना काटा करें। क्योंकि मैंने अपना रास्ता बदल लिया है। I'll get something for you to drink.